बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज जिस रेस्टोरेंट का मैं आपको देने जा रही हूँ रिव्यू, उसका नाम है चाइना कासल। जी हाँ, और ये हमारे नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एल में है। और अगर नॉर्थ नाजमाबाद की फ़ूड स्ट्रीट के बारे में कोई नहीं जानता है तो वो जान ले कि माशाल्लाह से जो है वो एक लंबी जो है वो लाइन है यहाँ पर फ़ूड स्ट्रीट की। यानी बहुत बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। यानी आप जो है फाइव स्टार से राइट साइड पे टर्न होंगे तो ब्लॉक एल और ब्लॉक एच दोनों तरफ जो है वो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो उन्हीं में से एक रेस्टोरेंट है चाइना कैसल, और यहाँ पर जो है वो आपको मिलेगा चाइनीज़ फूड। तो यहाँ पर आपको मैं जो है वो इसका मेन्यू दिखा रही हूँ, और इसमें आप जो है वो प्राइजेस भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो हॉट पॉट भी है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ हॉट पॉट, और साथ में जो है वो प्राइस भी मेंशन है, और ये वन पर्सन के हिसाब से हैं। और यहाँ पर इनके जो है वो लंच की डील्स भी हैं, बहुत अच्छी डील्स हैं इनकी, आप लोग जो है वो देख सकते हैं। और जो यहाँ पर लंच करना चाहें तो वो भी यहाँ पर आकर लंच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वैरायटी है, और स्टार्टर भी आप लोग देख सकते हैं, सूप है, सैलेड है, सब कुछ है। और बस यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमने क्या ऑर्डर करना है। यहाँ पर मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो सोचा क्यों ना आपको भी इस रेस्टोरेंट का कोई अच्छा सा जो है वो रिव्यू भी दे दूं कि जो यहाँ पर आना चाहे वो आ जाए। अच्छा, चाइनीज़ रेस्टोरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं हमारे कराची में, लेकिन जो बहुत मशहूर हैं उनकी जो है एक अलग ही जो है वो बात है उनके जो फूड की क्वालिटी की। और जाहिर सी बात है जब वो नाम है तो वो नाम भी जो है वो कैश होता है। ये इस रेस्टोरेंट को जो है वो बने हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो अभी तक चल रहा है। और आप इसका इंटीरियर भी जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके का है। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा ना हर जगह जल्दी जाऊं ताकि अच्छी तरीके से जो है वो कैप्चर करूँ, क्योंकि अगर रश होता है और लोग बैठे हुए होते हैं ना तो उनकी जो है वो प्राइवेसी का मुझे ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो है वो मैं किसी से बग़ैर पूछे जो है वो अपने जो है वो कैमरे में उसको कैद कर लूँ। जी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर आपको जो है मैं बाहर का भी जो है वो सीन दिखा देती हूँ। तो सामने ही जो है वो हवेली जो है वो रेस्टोरेंट भी है, और ये बिल्कुल मेन रोड पे ही है, यानी इनके जो डबल रोड जा रहा है तो वहीं पर ये है रेस्टोरेंट। तो बहुत ईजी इसका एड्रेस भी है, अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमेशा की तरह जब भी चाइनीज़ खाएंगे तो सूप तो ज़रूर पियेंगे, और सूप वो भी हॉट एंड सॉर, उसकी क्या ही बात है, और साथ में क्रैकर्स भी। क्रैकर्स के साथ जो है वो सूप को एंजॉय करने की अपनी ही बात है। अच्छा, मैं जो है वो हॉट एंड सॉर जो है वो बहुत पसंद करती हूँ। कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते, वो सिर्फ कॉर्न सूप ही पीना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कॉर्न सूप जो है वो इतना जो बस कभी कभी अच्छा लगता है। वो भी जो ये ठेले पे जो होते हैं ना, ये हमारे पठान भाई, उनके मुझे अच्छे लगते हैं, रेस्टोरेंट के इतने अच्छे नहीं लगते। रेस्टोरेंट में तो जो है वो हॉट एंड सर्व ही सूप पीने का जो है वो दिल करता है। तो बस सूप को कर रही हूँ इंजॉय, और बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, गर्मी में जो है वो लोग सूप नहीं पीते, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपका जो है वो माहौल अच्छा हो और एसी चल रहा हो तो आप सूप को एंजॉय कर सकते हैं, इसमें कोई जो है इतनी बड़ी बात नहीं है। और प्रॉन्स तो मुझे वैसे ही पसंद है जो सूप में नज़र आ रहे हैं। तो स्टार्टर में जो है वो फ़िश को करा था हमने ऑर्डर। जी हाँ, फ़िश आ गई है, और बहुत अच्छी फ़िश थी, बहुत यमी फ़िश थी, और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल फ्रेश और हॉट। जी हाँ, खाना अगर फ्रेश और हॉट हो ना तो ही अच्छा लगता है, ठंडा और जो है वो बासी खाना बिल्कुल नहीं पसंद आता है, ना आना चाहिए। और ये जो है आपको जो है पता ही चल जाता है टेस्ट करके। तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो है वो फूड भी आ चुका है, जिसमें देख सकते हैं आप चाउमीन है, और ये हमारा मेन कोर्स है, सिज़लर हमने मंगवाया था, और मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा इनका टेस्ट, यानी मुझे अच्छा लगा, जबकि मैंने दूसरे सारे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जो है वो चाइनीज़ फूड जो है टेस्ट किया हुआ है, लेकिन इनका जो है मच बेटर भी था। मच बेटर इस लिहाज से था कि थोड़ा डिफरेंट था। सब रेस्टोरेंट्स के अपने अपने जो है वो तरीके होते हैं, अपना अपना जो है टेस्ट होता है, लेकिन मुझे यहाँ का अच्छा लगा। यानी एक दफ़ा यहाँ पर आना चाहिए, दूसरी दफ़ा आपकी मर्ज़ी आए ना या नहीं आए, लेकिन एक दफ़ा जो है वो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और एक दफ़ा मैंने ट्राई कर लिया है तो नॉट बैड। तो यहाँ पर जो है वो फूड को कर रही हूँ मैं इंजॉय। तो खाना अच्छा होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। और अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको इनमें से कोई डाउट हो रहा होता है, यानी कुछ लग रहा होता नहीं है, तो आपने फ़ौरन कंप्लेन भी करनी होती है।
ये नहीं कि आप जो है बस करके जो है बैठ जाएंगे, अगर आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं, आपने फ़ौरन जो है वो उसकी कंप्लेंट करनी होती है, क्योंकि आप जो है वो पैसे दे के खा रहे होते हैं, कोई फ्री में नहीं खा रहे होते हैं। तो अगर जो है वो मैं इस रेस्टोरेंट को पॉइंट दूंगी तो मैं 10 में से जो है वो 7 पॉइंट्स दूंगी, और 7 पॉइंट्स में इसलिए दूंगी क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो मुझे इतना खास नहीं लगा, लेकिन हाँ फूड जो है वो अच्छा था, तो इतने जो है नंबर काफ़ी हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में शामिल। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।